इस वीडियो में बात करते हैं फिनो पेमेंट बैंक का। अगर आप बीसी मर्चेंट यानी सीएसपी संचालक बनना चाहते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर आप बैंकिंग सर्विस दे करके और पैसा कमाना चाहते हैं घर बैठे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि आपको आईडी कैसे मिलेगी, आप रिटेलर भी बन सकते हैं प्लस आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, वो भी बहुत कम दामों में, क्या प्रोसेस रहेगा और कितना कॉस्ट लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सर्विस मिलने वाली, तो ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो पर देने वाले हैं। तो वीडियो पर कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें अगर आपको रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनना फिनो पेमेंट बैंक का। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि इसमें क्या क्या सर्विस मिलने वाली, जो कि मोस्ट सर्विस है, जिसमें आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, APS यानी आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, आधार से पैसे निकालने वाली सर्विस इसमें एक्टिवेट रहेगी, कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉवल हो गया, और यूटिलिटी बिल रिचार्ज, जितने भी बिल रिचार्ज होते हैं वो आप कर सकते हैं इंस्टेंटली, और ये 24 घंटे इसमें सर्विस ऑन रहती है। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ है, और भी इसमें फैसिलिटीज़ है वो आपको हम डिटेल्स में अगले वीडियो में बताएंगे। और इस CSP संचालक खोलने से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक होना चाहिए, प्लस आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, यानी 18 साल से आप ऊपर होंगे तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। और आप इसमें रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए दोनों के लिए ही सेम रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की। और जो प्राइस कॉस्ट है इसमें आपका 499 का आपको रिटेलर आईडी मिलेगी, और जो डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी आपको मिल जाएगी। और आपके पास एक मंत्रा की डिवाइस भी होनी चाहिए, मंत्रा या मोर्फो का जो APS सर्विस के लिए होता है, तो उस डिवाइस आपके पास होना चाहिए, तो आप कहीं से भी ऑनलाइन ले सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन अमेजोन से या कहीं से भी, आप ऑफलाइन भी और भी डिस्ट्रीब्यूटर से कहीं से भी आप ले सकते हैं, और डिवाइस का लिंक भी आपको वीडियो में दे दिया जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको दो नंबर शो कर रहे हैं रिटेलर के, ये मोबाइल नंबर जो ऊपर है इसमें 499 रुपये का रिटेलर आईडी आपको मिल जाएगी, और दूसरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर शो कर रहा है, इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप इसमें मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान में रखना है कि आप फालतू के मैसेज फ़ोन ना करें। अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप CSP संचालक चलाना चाहते हैं, APS सर्विस देकर पैसा कमाना चाहते हैं, तभी आप फ़ोन करें, आपको पूरी सर्विस यहां से एक्टिवेट करके दिया जाएगा, और फालतू के आप फोन या मैसेज ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं कमीशन के बारे में, इसमें अगर आप काम करते हैं किस तरह टाइप की, आपको क्या क्या कमीशन मिलता है, तो इस पर वीडियो पे कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं APS ट्रांजेक्शन के बारे में, इसमें आप APS का ट्रांजेक्शन करते हैं फिनो पेमेंट बैंक से, तो इसमें आप अगर 1,000 का विड्रॉवल करते हैं तो आपको 1 रुपये कमीशन मिलेगा, 1,500 करते हैं तो आपको 3 रुपये का, आप 2,500 से ऊपर करते हैं तो 5 रुपये का, अगर आप 7,000 से ऊपर का विड्रॉवल करते हैं तो आपको 9 रुपये का कमीशन मिलने वाला है, और आपके यूटिलिटी रिचार्ज करते हैं बिल उसमें भी मिलेगा, अकाउंट ओपन करेंगे उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा, मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसमें भी कमीशन मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में, अगर आप कैश विड्रॉवल करते हैं यानी आधार से पैसे निकासी करते हैं, तो इस तरह से इसमें कैश कमीशन का स्लिप दिया गया है। इसमें अगर आप 1,000 से ज़्यादा विड्रॉवल करते हैं 1 रुपये कमीशन मिलेगा, 1,500 से ज़्यादा करेंगे तो आपको 3 रुपये का मिलेगा, 2,500 से ज़्यादा विड्रॉवल करेंगे आपको 5 मिलेगा, 3,000 से ज़्यादा करेंगे आपको 7 रुपये कमीशन मिलेगा, अगर आप 7,000 से ज़्यादा विड्रॉवल करते हैं तो उसमें आपको 9 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। इस तरह से आप जो भी विड्रॉवल करते हैं या मनी ट्रांसफ़र करते हैं, DMT करते हैं, या आप कैसे डिपॉजिट करते हैं, तो भी उसमें कमीशन मिलने वाला है। और अगर आप फिनो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उसमें भी आपको कमीशन अच्छा मिलने वाला है। इस तरह से आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं घर बैठे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इस नंबर पे, आप रिटेलर आईडी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी मैंने बता दिया। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स के कंप्लीट है और आप CSP संचालक खोलना चाहते हैं, तभी इस नंबर पर फ़ोन करें, फालतू के कॉल मैसेज ना करना है। मैं आपको फिर से रिपीट करा रहा हूँ, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और भी वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिनो पेमेंट्स बैंक से जुड़ी नए अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन भाइयों को फिनो पेमेंट बैंक का CSP या BC मर्चेंट या डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो आप शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो जाए और बिजनेस आप कर सकते हैं घर बैठे, और अच्छा खासा आप पैसे कमा सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।